नमस्कार, आज हम सीखेंगे डीप ब्रीदिंग। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण हमारे शरीर में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यदि दिन में थोड़ा समय हम डीप ब्रीदिंग के लिए निकालें तो हम कई रोगों से बच सकते हैं। डीप ब्रीदिंग को करने के लिए आपको सांस को लेने का और छोड़ने का, मींस इनहेल और एक्सहेल करने का सही तरीका सीखना होगा। तो आइए जानें ये इनहेल और एक्सहेल क्या है जो हमें डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करने से पहले सीखना होता है। इनहेल का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना और एक्सहेल का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना। आइए अब सीखते हैं प्रियांशी और मास्टर ईशान के साथ कि इस क्रिया को कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोनों पैर पास रख के आप वज्रासन में बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को पेट पर रखें। अब श्वास भरो और पेट फुलाओ। अब श्वास छोड़ो और पेट अंदर। फिर से इनहेल करो और पेट फुलाओ। अब एक्सहेल करो और पेट को पिचकाओ, दबाओ। इसी तरह करते जाइए और ध्यान रखिए, जब भी आप श्वास लेंगे मींस इनहेल करेंगे तो पेट को फुलाना है, और जब भी आप श्वास को छोड़ेंगे या एक्सहेल करेंगे तो पेट को पिचकाना है। इसे हम आपको एक बलून की हेल्प से दिखाते हैं। देखिए, जब आप बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है। इसी तरीके से जब हम अंदर श्वास को लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है या बाहर की तरफ आता है, देखिए कुछ इस तरह। और जब हम बलून में से हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है, ये बलून पिचक जाता है। ऐसे ही हमारे पेट से भी हवा बाहर निकल जाती है तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाता है। अब हम इसी तरीके से सांस को अंदर लेंगे, कुछ देर रुकेंगे ताकि अंदर तक फेफड़े फूल जाएं, उसके बाद सांस को बाहर निकालेंगे। ये एक्सरसाइज हम दिन में 2 से 3 बार करेंगे और ऐसा सीखने से हम कई सारे योगासन कर सकते हैं और प्राणायाम भी कर सकते हैं। और सही तरीके से सांस लेने से हमारे लंग्स की पावर भी बढ़ती है, और आजकल कोरोना का पीरियड है तो आपको अपने लंग्स की एक्सरसाइज अच्छे से डेली करनी है। अब जैसा कि आप इनहेल और एक्सहेल की क्रिया को सीख चुके हैं, किस तरीके से सांस ली जाती है और किस तरीके से सांस को छोड़ा जाता है, तो अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को, और आप भी हमारे साथ इसे दोहराएं। अब फिर से एक लंबी सांस लें, अब सांस छोड़ें। सांस अपनी नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। ब्रीद इन 1 2 3, ब्रीद आउट 1 2 3, गहरी लंबी सांस लें, काउंटिंग करें 1 2 3, सांस छोड़ें, काउंटिंग करें 1 2 3। डीप ब्रीदिंग आपको एक दिन में कम से कम सुबह 5 मिनट तक करनी चाहिए, इससे आपका अशांत मन शांत होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप डीप ब्रीदिंग की इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना सीख गए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम का अर्थ है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यहाँ पर सीधा का मतलब है नाक का दाहिना छिद्र या राइट नॉस्ट्रिल, और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र या लेफ्ट नॉस्ट्रिल। देखिए, आपकी नोज में सांस लेने के लिए 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो सही तरीके से अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं प्रियांशी के साथ। सबसे पहले आप अपने योगा मैट पर बैठ जाइए। अब हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। इसे शुरू भी हम राइट हैंड साइड से करेंगे और इसे खत्म भी हम राइट हैंड साइड से ही करेंगे। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड के जो थंब है उससे आप अपने राइट हैंड साइड के नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। अब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुला है तो हम सांस लेंगे लंबी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल की हेल्प से।
अब हमारी राइट हैंड की मिडिल और रिंग फिंगर की हेल्प से हम अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कर देंगे और हमने जो सांस भरी थी उसे बाहर निकालने के लिए राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल से हटाएंगे और फिर धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से ली हुई सांस को बाहर निकालेंगे। अब एक बार फिर राइट नॉस्ट्रल से आप लोग सांस लीजिए और उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोकिए। रोकने के लिए आप काउंटिंग बोलिए 1, 2, 3, 4। अब क्योंकि आपने सांस राइट हैंड साइड के नॉस्ट्रल से ली है तो अब आप छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड के नॉस्ट्रल से। इसके लिए आप अपने थंब से राइट हैंड साइड के नॉस्ट्रल को बंद कर दीजिए और जो लेफ्ट हैंड साइड को आपने बंद किया हुआ था मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की हेल्प से उसे हटा दीजिए और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। इसको इतना आराम से करना है कि आपको भी आपके सांस लेने की आवाज न सुनाई दे। इस आसन को सुबह 5 से 10 बार करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस से हम प्योर एयर को अंदर लेते हैं जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं जिससे हमारा ब्लड प्योर होता है। तो इसको आपको डेली करना है 5 से 10 बार। इस आसन को करने से हमारे शरीर की 72,72,10,210 नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसीलिए इसे नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। मुझे पूरी आशा है आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आइए आज हम सीखते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल का अर्थ है माथा या मस्तिष्क। भाति का अर्थ है आभा, तेज या प्रकाश। इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। अब आंखें बंद कर लीजिए। अब आपको बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ना है अपनी नॉस्ट्रिल से। बहुत ही आराम से करना है। जितना सांस अंदर आ रहा है उसे बलपूर्वक बाहर छोड़ना है। ऐसा करने से आपके पेट वाला पार्ट अंदर और बाहर की तरफ गतिमान होता है। आपको पता है इसको करने से शरीर के अंदर के अंगों की मालिश होती है। इस आसन को 5 मिनट रोज करना चाहिए। इसको करने से पहले मन में अच्छे अच्छे विचार भरिए, जैसे मैं जब सांस छोड़ रहा हूँ तो मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। जो बच्चे तीव्रता से यानी तेजी से सांस नहीं छोड़ सकते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से भी आप सांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर छोड़िए। आपको पता है इसको करने से आपके फेस पर तेज और ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है। इस प्राणायाम से श्वास रोग, मोटापा आदि दूर होते हैं। इसको करने से मस्तिष्क, पेट की और फेफड़ों की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। मुझे पूरी आशा है इस आसन को सीखने के बाद आप रोज सुबह 4 से 5 मिनट इसे जरूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का नाम भ्रामरी नामक मधुमक्खी पर रखा गया है क्योंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ने की आवाज ऐसे लगती है जैसे कि मधुमक्खी की धुनी। यह प्राणायाम व्यक्ति के मन को शांत करने में अति सक्षम है। इसको करने से आप क्रोध, चिंता और निराशा से दूर रह पाएंगे। आइए सीखते हैं प्रियांशी के साथ इस प्राणायाम को कैसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम में आपको पता है कि भंवरे के समान गुंजन किया जाता है, इसीलिए ही इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। आइए शुरू करते हैं इस प्राणायाम को करना।
सबसे पहले शांत वातावरण में अपनी योगा मैट पर किसी भी ध्यान लगाने के आसन में जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अब गहरी सांस लीजिए। अब पहली फिंगर माथे पर और बाकी की फिंगर्स अपनी आंखों पर रखिए और अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कान बंद कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब भौरे के समान गुंजन करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़िए। भ्रमर का गुंजन करते समय मुंह खुला नहीं रखना चाहिए। सांस को छोड़ने में 15 से 20 सेकंड का समय लगता है और तब तक आपको आवाज एक तरह से ही करनी है। करीब 3 मिनट में 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। यह प्राणायाम मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभदायक है। इसको करने से हमारा पढ़ाई करने में मन लगता है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस भंवरे के समान गुंजन करने वाले प्राणायाम को जरूर सीखेंगे। नमस्कार, आज हम सीखेंगे उद्गीत प्राणायाम या ओम चैंटिंग। इसके लिए आप सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। उसके बाद हम एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अब हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ, म। पहला अ, दूसरा उ, तीसरा म। तीनों ध्वनियां अपने आप में अलग ध्वनियां हैं। हम पहले तीनों ध्वनियां एक एक करके सीखेंगे, फिर एक साथ उच्चारण करना सीखेंगे। सबसे पहले अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए, कंधे सीधे रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, अंदर एक गहरा सांस लीजिए। तो पहले हम पहला शब्द बोलेंगे अ। अ शब्द को हम अपने पेट से निकालेंगे और थोड़ा लाउड बोलेंगे। दूसरी ध्वनि है उ, जिसे करने के लिए हम अपने लिप्स को ओ की शेप का बना लेंगे, तो जो ध्वनि है वो ऊ की तरह निकलेगी। और तीसरी ध्वनि होती है म, जिससे इसे हम खत्म करते हैं, इसे बहुत लंबा निकाला जाता है। म साउंड निकालते समय अपने लिप्स को बंद कर लेते हैं, जैसे हम भ्रामरी में करते हैं और हमिंग साउंड करते हैं। जब हम एक साथ बोलेंगे तो अ साउंड हमारे पेट से आएगी और उ साउंड हमारे चेस्ट से आएगी और म साउंड हमारे थ्रोट से आएगी। जब तीनों को साथ में उच्चारण किया जाता है तो ये अ उम होता है। इसे करते हैं, सांस अंदर लीजिए सांस फिर से अंदर। एकदम आराम की स्थिति में रहें, कंधे सीधे रखें। शुरू में इसे 5 से 6 बार करें और इसे नियमित रूप से करें। जब आप अच्छे से ओम का उच्चारण कर लें, तब आप थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कीजिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए, अच्छे से सांस अंदर भरें और जब आप सांस अंदर भरेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। 3 या 4 गहरी सांसें लें ओम को खत्म करने के बाद। अब हथेलियों को रब करें आपस में थोड़ी देर। अब हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें।
फिर सांस को अंदर करें और धीरे धीरे बाहर करें। अब दोनों हाथों को नीचे करें और एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें।